नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारे आयु, हमारे कर्म, हमारे वय के देवता शनि महाराज को ज्योतिष में क्या महत्व है और वह हमें कैसे प्रभावित करते हैं। साथ में मैं यह भी सिखाऊंगा कि आप अपनी कुंडली में शनि अच्छे हैं या खराब हैं, और यदि खराब हैं तो किन उपायों से आप उन्हें अच्छा बनाएंगे। कृपया वीडियो आप मेरे साथ अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं जीएस एस्ट्रो वास्तु का फाउंडर अविनाश कुमार आप सभी प्यारे एवं समझदार श्रोताओं का फिर से एक बार अपने चैनल में अभिनंदन करता हूं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही पॉपअप होकर एक बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही हमारी सारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, जय माता दी। आज का जो हमारा विषय है, किस प्रकार शनि महाराज हमें बुलंदियों तक पहुंचाते हैं, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के माध्यम से विवाह योग, संतान योग, प्रेम विवाह योग, विदेश योग, सरकारी नौकरी के योग इत्यादि बहुत सारे योग यहाँ पर बताए गए हैं और आगे भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएगी। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाने वाली सभी जानकारियां समय पर मिल जाया करेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शनि के बारे में किसने नहीं सुना है, चाहे वह पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या अनपढ़ हो, सभी ने शनि का नाम जरूर सुना है। शनि का साढ़े साथी, शनि की ढैया, शनि की गोचर, शनि की महादशा कौन नहीं जानता है, कौन नहीं डरता है। शनि देव क्या सिर्फ डराने के लिए ही है? नहीं, यदि शनि अच्छे हों तो आपको दुनिया में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। वस्तुतः यदि देखा जाए तो बिजनेस से लेकर, जॉब से लेकर पॉलिटिशियन तक, अगर दुनिया में बहुत ऊंचाइयों तक कोई पहुंच सका है तो सिर्फ शनि की वजह से ही। अगर कुंडली में शनि अच्छा नहीं हो तो बाकी ग्रह अच्छे होते हुए भी जीवन भर संघर्ष ही करता रहता है ऐसे व्यक्ति। देखिए, दुनिया में जितने भी बड़ी कंपनियां हो, चाहे वह तेल के क्षेत्र के हो या औषधियां का हो या फार्मास्यूटिकल कंपनियां हो, वे सब शनि के डोमेन में ही आते हैं। तेल, दवाई, मोबाइल, खदान इत्यादि जितनी भी चीजें हो, वह सब शनि ही कंट्रोल करता है। तो ध्यान रखिए, शनि अच्छा हुए बिना तो कोई तरक्की की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे पॉइंट से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप यह समझ जाएं कि आपके शनि आपके कुंडली में कैसे हैं। तो पहला पॉइंट है, ये देखिए कि शनि क्या है। दूसरा पॉइंट, शनि के तीन नक्षत्र कौन कौन से हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट, शनि की उच्च की, नीच की और स्वयं की राशि क्या है और उसका फल क्या है। चौथा पॉइंट, शनि की महादशा और गोचर का फल क्या होता है। पांचवा पॉइंट, शनि का रंग क्या है। छठा पॉइंट, शनि महाराज की तीन दृष्टियों के बारे के मायने क्या है। फिर सातवां पॉइंट, शनि किन लोगों को अधिक प्रभावित करता है। आठवां पॉइंट, शनि के अच्छे या बुरे होने के क्या लक्षण हैं। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि शनि के उपाय क्या होते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहला पॉइंट को देखते हैं कि यह देखिए कि हमारे कुंडली में शनि क्या है। शनि ग्रह के प्रति अनेक कहानियां हमारे पुराणों में प्राप्त है। शनि देव को सूर्य पुत्र एवं कर्म फल दाता माना जाता है, लेकिन साथ में पिता का शत्रु भी कहा जाता है। अर्थात सूर्य शनि अति शत्रु मानते हैं। इनके संबंध में अनेक मिथ्यक कहानियां प्रचलित है, इसलिए इसे मारक
अशुभ ग्रह और दुख कारक माना जाता है। पाश्चात्य ज्योतिषी भी इसे दुख देने वाले मानते हैं, लेकिन शनि उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना उसे माना जाता है, इसलिए वह शत्रु नहीं मित्र है। मोक्ष को देने वाला एकमात्र ग्रह कौन है? तो वो शनि है। हर प्राणी के साथ उचित न्याय करता है, इसलिए उसे न्याय का देवता भी हम लोग कहते हैं। इस जो लोग अनुचित विषमता और अस्वाभाविक समता को आश्रय देते हैं, शनि केवल उन्हीं को दंड देता है। शनि के कार्यकत क्या क्या हो गए? आयु, मरण, भय, पतन, अपमान, बीमारी, दुख, दरिद्रता, बदनामी, पाप, मजदूरी, निंदा, स्थिरता, नीच व्यक्तियों का आश्रय, आलस, उंगना, कर्जा, लोहे की वस्तुएं, नौकरी, दास्ता, जेल जाना, गिरफ्तार होना, खेती के साधन आदि का विचार हम लोग शनि महाराज से ही करते हैं। यदि आप उनके स्थानों की बात करें तो जहां नीची श्रेणी के लोग रहते हैं, या मंदिर का रास्ता हो गया, या अपवित्र स्थान, या शनि के रहने का स्थान है, और ये पश्चिम दिशा के स्वामी होते हैं। यदि हम लोग मित्र की बात करें कि कौन कौन से ग्रह शनि के मित्र हैं, तो बुध और शुक्र शनि के मित्र होते हैं। यदि हम लोग शत्रु की बात करें तो शनि सूर्य, चंद्रमा और मंगल को शत्रु मानता है, और सम की बात करें तो शनि गुरु को अपना सम मानता है। अब हम देखते हैं कि यदि शनि हमारे सूर्य के साथ हमारे किसी भी कुंडली, किसी भी घर में यदि अवस्थित रहते हैं, युत रहते हैं, तो यदि 15 अंशों का यदि डिफरेंस रहता है या उससे कम रहता है, तो उस अवस्था में हमारे शनि महाराज अस्त हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि शनि से कौन कौन सी वस्तुएं हम लोग देखा जाता है। तो तेल बेचने वाला या खरीदने वाला, फिर नौकर, नीच पुरुष, शिकारी, लुहार, हाथी, कौवा, कोयल। जाति के बात करें तो शनि को मलेच्छ कहा गया है। साथ में गुण, इनका तामसिक गुण होता है। यदि हम लोग ऋतुओं की बात करते हैं तो शिशिर ऋतु शनि के अधिपत्य में आता है। शनि वायु तत्व और इसके अधिष्ठा देव यम होते हैं दोस्तों। अब हम लोग दूसरी पॉइंट की तरफ जाते हैं कि शनि के तीन नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। तो शनि के तीन नक्षत्र दोस्तों पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्रपद होते हैं। यदि आप ये देखिएगा तो इसमें तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट पुष्य नक्षत्र को ही माना जाता है। इसे सारे नक्षत्र से सबसे अच्छा, ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। इस नक्षत्र के अंदर आध्यात्मिक और धार्मिक शक्तियां पाई जाती है, और अधिकांशतः जो भी हम लोग धर्म कर्म से, जो भी पूजा पाठ, जो लग्न होता है, जो मुहूर्त होता है, बहुत अच्छे होते हैं पुष्प में ही। बस खाली शादी हम लोग पुष्प नक्षत्र में नहीं करते हैं दोस्तों। उसी प्रकार अनुराधा नक्षत्र को सफलता का नक्षत्र माना जाता है। इनको जन्म स्थान से दूर या विदेशी भूमि पर खूब सफलता मिलती है। अब हम तीसरा नक्षत्र उत्तराभाद्रपद का बात करते हैं। यह नक्षत्र पूर्ण रूप से मीन राशि के अंतर्गत आता है दोस्तों। इस नक्षत्र के अंदर अग्नि की ऊर्जा पाई जाती है। यह नक्षत्र युद्ध और रक्षा का नक्षत्र माना जाता है दोस्तों। अब हम लोग तीसरा पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। शनि की उच्च की, नीच की और स्वयं की राशि क्या है और उसका फल क्या है दोस्तों। शनि की जो उच्च की राशि होती है दोस्तों तुला होती है। तुला राशि में वे उच्च के होते हैं। एक और जहां शनि को वैराग्य का कारक कहा गया है, जबकि शुक्र वैभव और भोग विलासता के कारक ग्रह है। फिर शनि का शुक्र की राशि में उच्च का होना दोनों ग्रहों की विशेषताओं में विरोधाभास उत्पन्न करता है। इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य यह है कि धन दौलत, ऐश्वर्य और भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं जहां होती है, वहां व्यक्ति कर्म से पीछे हटता है। इस राशि में शनि का उच्च होना व्यक्ति को उस सुखों को जीवन में बनाए रखने के लिए कर्म करते रहने की प्रेरणा देता है दोस्तों। उसी प्रकार शनि मेष राशि के 20 डिग्री में वो नीच के होते हैं, और शनि यहाँ जो फल है बहुत मंदे हो जाते हैं।
मेहनत का फल भी नहीं मिलता है, बड़ी ही मुश्किल से गुजारने लायक पैसा मिलता है। वाहन मकान तक बिकवा देता है, नौकर चाकर सारे लोग धोखा देते हैं उसे। वो जहां भी अपना पैसा लगाता है, धन लगाता है, वहां से उन्हें असफलता ही प्राप्त होती है। दोस्तों उसी प्रकार शनि की जो स्वराशि होती है, अपनी राशि होती है, वो दसवें नंबर और ग्यारहवें नंबर होती है। दसवां आपको मकर राशि होगी। यदि शनि मकर राशि में अवस्थित है तो ये हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, ये हमें बिजनेस माइंडेड बनाता है। उसी प्रकार यदि शनि ग्यारहवें नंबर अर्थात कुंभ इसके भी स्वामी होते हैं, यदि यहाँ पर 0 से 20 डिग्री तक बैठते हैं, ये मूल त्रिकोण में कहलाते हैं, और 20 से 30 में ये स्वराशि कहलाते हैं। कुंभ मतलब घड़ा होता है। घड़ा मतलब क्या हो गया दोस्तों, यदि घड़ा के अंदर यदि आप हाथ डालोगे तो आपको सांप भी मिल सकता है और आपको खजाना भी मिल सकता है। अतः ये जो राशि होती है ये हमारे रहस्यमय राशि होती है, ये हमारे मतलब कि जमीन से जुड़ी हुई राशि होती है। तो यहाँ भी शनि महाराज हमेशा अच्छा प्रभाव अपना देते हैं दोस्तों। अब हम लोग चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, कि चौथा पॉइंट हमारा शनि की महादशा और गोचर में उसका क्या फल होता है। दोस्तों यदि हम लोग शनि की महादशा देखें, शनि की महादशा दोस्तों 19 सालों की होती है और गोचर उनके 2.5 वर्षों का होता है। इसमें से दो तरह के गोचर होते हैं दोस्तों। पहली ढैया, जिसमें चंद्रमा से यदि शनि चौथे या आठवें स्थान में जाता है उसे ढैया कहते हैं, यह हमें तकलीफ देता है। दूसरा गोचर सभी जानते हैं, जब चंद्रमा से 12वें पहले एवं दूसरे स्थान पर शनि गोचर करते हैं तो उसे शनि के 7.5 साथी कहते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों अपने पंचम पॉइंट के बारे में। पचना पंचम पॉइंट क्या, कि शनि का रंग क्या है और उसका उपयोग हम कैसे करते हैं। जनरली शनि का रंग दोस्तों काला रंग और नीला रंग कहा गया है। शनि को हम लोग न्याय के देवता भी कहते हैं। तो हम लोग अब देख सकते हैं जो यहाँ के न्याय के देवता, आजकल जो हम लोग जज को या वकील को मानते हैं, उनका जो कपड़े का पोशाक होता है देखिए काले कलर का होता है। तो इसलिए हम लोग शनि को तो रंग होता है जो काला और नीला होता है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं छठे पॉइंट का, कि शनि की तीन दृष्टियां के मायने क्या होती है। हम लोग जानते हैं ज्योतिष में कि सारे ग्रहों की 1/7 दृष्टि होती है। इसके अलावा गुरु की और मंगल की और शनि को कुछ 2 दृष्टियां और दी गई है। तो शनि की जो है 7वें के अलावा 3री और 10वें भाव को भी देखता है। शनि मान लीजिए आपको लग्न में शनि महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ से ये अपनी तीसरी दृष्टि से आप ये पराक्रम भाव को देखेंगे, अपनी 7वीं दृष्टि से ये आपको 7वें भाव को देखेंगे और अपनी 10वीं दृष्टि से वो कर्म भाव को देखते हैं दोस्तों। तो इसमें कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है, जिस पर भी जो भी घर होती है उस व्यक्ति को संघर्षों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और साथ में हम लोग ये भी कहते हैं कि शनि की 10वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस व्यक्ति को उसी घर का कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये हमारे पिछले जन्म का ही कर्म होता है। जो हम लोग पिछले जन्म में जो काम नहीं कर पाते हैं, शनि इस जन्म में उस कार्य को करवाता है। तो अतः तीसरा दृष्टि उसकी खतरनाक होती है, कि जिस घर में भी शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है वहां हमें परेशानियां साथ में संघर्ष मुश्किल का सामना करना पड़ता है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों 7वें पॉइंट की। 7वां पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, शनि किन लोगों को अधिक प्रभावित करता है। तो हम लोग तो इस प्रकार जानते हैं कि जिनका भी जन्म 8 तारीख 17 तारीख 26 तारीख को हुआ हो या शनिवार को हुआ हो, या जो लोग शनि से जुड़े हुए काम करते हैं, यानी कि लोहे की फैक्ट्री में हो, खदान में काम करते हो, नौकरी पैसा वर्क हो, पेट्रोलियम फील्ड में हो, आजकल तो सभी पर शनि का प्रभाव चल रहा है क्योंकि अधिकांशतः सभी लोग नौकरी करते हैं, या जिनकी शनि की महादशा चल रही हो या शनि की 7.5 साथी या ढैया चल रही हो,
उन सब लोगों को शनि प्रभावित करते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आठवां पॉइंट, कि हम आठवां पॉइंट क्या है दोस्तों, कि शनि के अच्छे या बुरे होने का क्या लक्षण, हम लोग किस प्रकार पता करें कि हमारे ऊपर शनि अच्छे प्रभाव डाल रहे हैं या बुरे प्रभाव डाल रहे हैं। देखिए, अगर केतु शनि से पहले घर में हो यानी कि अच्छा रिजल्ट वो देगा, वही राहु यदि शनि से पहले हो तो शनि बुरा रिजल्ट देगा। शुक्र के बारे में भी कहा जाता है कि शुक्र शनि से पहले घरों में हो और शुक्र पर शनि की दृष्टि हो तो समझिए कि आपके रिश्तेदार ही आपकी धन को बर्बाद कर देंगे। ऐसा यह नियम है कि शनि अच्छे के साथ अच्छा करता है, बुरे के साथ बुरा करता है। साथ यदि शनि नीच का हो तो वह मंदिर में चोरी करता है, ऐसे लोग एहसान फरामोश होते हैं, चोर होते हैं, कुकर्मी होते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि शनि का आप पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ में हमारे शरीर में शनि हमारे बोन्स को, जॉइंट्स को, हेयर, स्किन, नर्वस सिस्टम, डाइजेशन और पैरों के काप्ट मसल्स को रिप्रेजेंट करता है। काप्ट मसल्स घुटनों से लेकर एरी तक का हिस्सा है, उस पर शनि का ज्यादा अधिकार माना जाता है। अतः जिसे काप्ट मसल्स पिंडलियों से में ज्यादा तकलीफ हो रहा है तो समझिए कि आप पर शनि का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही शनि को शरीर के पूरे मसल्स का भी अधिकार प्राप्त है। यदि आपको पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, आपको मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि शनि का बुरा प्रभाव आप पर पड़ रहा है। साथ ही साथ किडनी स्टोन, बवासीर, जहां भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, अर्थात शनि हमारे ऑब्स्ट्रक्शन को भी बताते हैं, तो समझ जाइए शरीर में ये सब रोग शनि के द्वारा ही दिए जा रहे हैं। उसी प्रकार यदि हम लोग और बात करें तो हमारे जो किडनी स्टोन्स होते हैं, हमारे पेशाब में जलन होती है, हमारे पेशाब में मूत्र बोधे निकलता है, ये सारे भी जो रोग होते हैं वो हमारे शनि के द्वारा ही होते हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि शनि हम पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। अब अंत में हम उपायों के बारे में बात करते हैं। यदि शनि किसी की कुंडली में बुरा प्रभाव कर रहा है तो हमें क्या उपाय करना चाहिए, तो हम यहाँ पर मुख्यतः चार उपाय के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे मुख्य है आपको दशरथ कृत शनि स्त्रोत, यह आपको इंटरनेट पर मिल जाया करेगी। इस पर एक हमारे पुराणों में कहानी प्रचलित है कि एक बार शनि महाराज दशरथ के पास आए और कहे कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, लेकिन मुझे आपके राज अयोध्या में आना है, मेरा समय आ गया है, आपके साढ़ी साथी भी आ रही है, मैं अब यहाँ आकर बैठूंगा जिससे आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। महाराज दशरथ ने शनि महाराज से कहा कि मैं अपने राज्य को नष्ट नहीं होने दूंगा, आप मुझसे युद्ध कीजिए। इस बात पर शनि महाराज बहुत प्रसन्न हुए। शनि महाराज ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे बारे में जानते हुए भी आप मुझसे युद्ध करने की इच्छा अपने प्रजा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं किए जाए, तो जाइए आप ऐसा एक काम कीजिए कि एक सिंही ऋषि हैं, उन्हें बुला के लाइए, उन्हें वरदान है कि वो जहां बैठेंगे वहां कभी भी मेरा प्रकोप नहीं आएगा, ऐसे ब्रह्मा जी का वरदान है। तभी राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को अयोध्या लेकर आए और अयोध्या में शनि का प्रकोप नहीं हुआ। उसी प्रकार दूसरा उपाय, हनुमान जी की पूजा करें, उनकी आराधना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। इसके बारे में भी हमारे पुराणों में कहानी बताई गई है कि एक बार शनि महाराज हनुमान जी के पास गए और बोले कि आपके साढ़ी साथी आ रही है, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें शंकर जी ने बोला है कि चाहे पृथ्वी में चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो सब पर यह नियम लागू होगा। हनुमान जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप आ जाइए। तो साढ़े साथी होते ढाई ढाई साल के तीन होते हैं, ढाई साल, पहला ढाई साल जो शनि महाराज है वो हमारे सर पर
विराजमान रहते हैं, उसके नेक्स्ट 2.5 साल जो हमारे शरीर पर होते हैं, और लास्ट 2.5 साल हमारे पैर पर होके उतर जाते हैं। तो दोसनी महाराज जाके हनुमान जी के सर पर बैठ गए। बजरंग बली ने क्या किया, जाके जो पहाड़ है, पहाड़ के चोटी पर उसने अपने सर को पटकना चालू कर दिया। बजरंग बली का शरीर तो था आपको मतलब ब्रज से बना हुआ था, उन्हें तो कुछ तकलीफ होती नहीं, लेकिन सनी महाराज को चोटें आ रही, तो बार बार वो अपने सर को पहाड़ पर पटक रहे थे, उसे चोटें आए थे, जिससे सनी महाराज हड़बड़ा के कक्ष से बोले कि नहीं नहीं मैं आपके पास अब नहीं रहूंगा, मैं जाता हूँ। इस प्रकार बजरंग बली के पास सनी महाराज नहीं टिक पाए। तब बजरंग बली ने सनी महाराज को एक तेल दिया कि ये तेल लगाइए, आपकी जो भी चोट है, मलहम पट्टी कष्ट है, वो आपकी दूर हो जाएगी। इसी प्रकार कहा जाता है कि यदि आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी की आप पूजा करें, तो आपके आसपास सनी महाराज नहीं भटक पाएंगे। तीसरा आपको जो उपाय है, सनी महाराज क्या है, सनी क्या है, आलस के कारक होते हैं वो, कहे कि उनकी जो एक अपने जो हाउस को चेंज करते हैं, घर को चेंज कर 2.5 साल, सबसे मतलब डिले ग्रह कहलाता है ये, इसलिए वो इनसाइड हमारे शनि का प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता तो हमें भी बहुत सुस्त बना देता है, हमें बहुत आलसी बना देता है। तो यदि आप इस प्रकार यदि अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखें, आप अपने आप को एक्टिव रखें, आलस को त्यागे और हमेशा काम करते रहे, हमेशा अपने आप को बिजी रखे, तो इस प्रकार शनि का प्रकोप आपसे हट जाया करेगा। और चौथी जो है कि शनि महाराज स्थिरता के भी कारक होते हैं, वो जहां जिस घर में बैठते हैं उस घर के सारे कार्य को स्थिर कर देते हैं, मतलब विलंब से उसको पूरा करते हैं। तो इसी प्रकार यदि शनि महाराज का प्रकोप आप में है, तो आप ऐसे में क्या करें, दूसरों की भलाई करें, चैरिटी करें, दान इत्यादि आप करें, गरीबों की सेवा करें, जिस प्रकार से शनि महाराज आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको अपना कष्ट नहीं देंगे। तो दोस्तों हमें आशा है कि शनि महाराज के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, और मैं आगे जो अगली वीडियो या कुछ दिन बाद जो वीडियो बनाऊंगा, मैं शनि के महाराज के बारे में ही बताऊंगा बनाऊंगा कि उनके प्रत्येक भाव में क्या फल होते हैं, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। तो हमें आशा है कि वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में लाइक और शेयर करना कदापि न भूलें। जय माता दी, धन्यवाद दोस्तों।